हाँ तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी टाइम में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक कूलेस्ट रूम, यानी गाइस एक ठंडा रूम। तो गाइस, आप क्या कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अभी हम अपने ठंडे रूम को बनाने की तैयारी करते हैं और वीडियो की शुरुआत भी करते हैं। तो गाइस, जो हमारा ठंडा रूम है वो हम यहीं पर बनाने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले उसके लिए एक फ्रेम तैयार करते हैं और फिर उसको हम ठंडा करने के लिए क्या जुगाड़ लगाएंगे और फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो गया है, तो मैं आपको उस रूम का स्ट्रक्चर यानी कि गाइस फ्रेम दिखाता हूँ। गाइस, आप लोग ये चेक करिए। और गाइस, यहाँ पर अभी हम पहले गाइस आप लोग घर का फ्रेम चेक करिए। तो गाइस, अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको ठंडा करने के लिए क्या जुगाड़ लगाने वाले हैं। गाइस, हम क्या करेंगे, जो हमारा ये घर का फ्रेम बन चुका है गाइस, इसमें हम लगाने वाले हैं बेसलम की बहुत सारी डालियाँ। तो गाइस, अभी चलते हैं नाले में, क्योंकि सारी बेसलम की डालियाँ हमको वहीं पर मिलेंगी बहुत सारी। तो उनको लेकर आते हैं और उनको इस घर के फ्रेम में लगाते हैं। तो गाइस, अभी हम नाले में पहुंच चुके हैं। तो गाइस, अभी बहुत सारे बेसलम के डालियाँ तोड़ते हैं और उनको इकट्ठा करते हैं और उनको अपने जगह पर लेकर चलते हैं। तो गाइस, अभी हमने बहुत सारी बेसलम की डालियाँ तोड़ ली हैं, आप देख सकते हो। गाइस, बहुत ज़्यादा वजन है। तो गाइस, अभी इसको लेकर चलते हैं जगह पर और फिर आगे का अपना घर बनाने का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अपने फ्रेम की जगह पर वापस आ चुके हैं। तो गाइस, अभी इस बेसलम को इस फ्रेम के ऊपर अच्छे से लगाते हैं और घर को पूरा तैयार करते हैं और उसके बाद मैं आप सभी से मिलता हूँ। घर को पूरा तैयार करते हैं। अब तो गाइस, अभी हमारा ठंडा रूम बनकर तैयार हो गया है। तो गाइस, अभी मैं आपको उसको अच्छे से आपको दिखाता हूँ। गाइस, इसको बनाने के लिए हमने बेसलम की डालियों का उपयोग किया है और अभी मैं आपको घर को अंदर से दिखाता हूँ। गाइस, आप लोग ये चेक करो, एक मिनट गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हो। और गाइस, अभी एक बच्चे को मैंने अंदर भेज दी है और गाइस आ जा बाहर। और गाइस, अभी इससे पूछते हैं, जो हमारा ठंडा वाला रूम है वो ठंडा है कि नहीं बाहर। मस्त ठंडा रहा है। मस्त ठंडा रहा है। क्या जोक मारा भाई। तो गाइस, अभी एक बार मैं अंदर जाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि जो हमारा ठंडा वाला रूम है क्या वो सही में ठंडा है या फिर नहीं, या फिर उसके अंदर भी उतनी ही गर्मी लगेगी। तो गाइस, अभी मैं उसके अंदर जाता हूँ। तो गाइस, अभी मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। गाइस, जो हमारा बाहर के जितनी हमारी बाहर गर्मी है उससे काफ़ी अच्छा इसके अंदर ठंडा है। यानी गाइस, बाहर के एक हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यानी गाइस, बाहर के मुकाबले इसके अंदर काफ़ी हमको अच्छा महसूस होगा। यानी गाइस, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। और वैसे मैं आपको ये तो नहीं बोल सकता कि अंदर पूरी कूलर वाली फीलिंग आएगी या फिर कूलर चलते हैं, ऐसी नहीं है गाइस। लेकिन गाइस, जितनी बाहर गर्मी है उससे बहुत ज़्यादा कम अंदर गर्मी है, अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो गाइस, आप एक बार और अच्छे से हमारे रूम को देख सकते हो। और गाइस, इधर आप लोग ये चेक करो, इतने सारे बच्चे। और गाइस, ये जो हमारा घर बना है ये मैंने अकेले नहीं बनाया बल्कि इन सारे बच्चों के साथ मिलकर बनाया है। तो
तो गाइस वीडियो को एक लाइक इनके लिए ज़रूर कर देना। और तो गाइस अभी हमारा घर बनकर रेडी हो चुका है और अभी इसमें बच्चे लोग खेलेंगे। तो गाइस आप लोग क्या करो, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लोग वीडियो के लिए एक लाइक का बटन ज़रूर से दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी मैं बच्चों से बुलवाता हूँ, बच्चों बोलो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। तो गाइस अभी बच्चों ने भी बोल दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और कमेंट में कोई सजेशन हो तो जल्दी से कमेंट में बताना। और गाइस अभी मिलते हैं किस नए वीडियो में। और हाँ गाइस, अगर आप चाहते हो कि हम इसके अंदर नाइट चैलेंज करें, यानी गाइस मैं इसके अंदर नाइट चैलेंज करूं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस हम बहुत जल्दी इसके ऊपर नाइट चैलेंज की वीडियो लेकर आऊँगा अगर आप लोग कमेंट करते हो। तो गाइस अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Yeah!